कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आयोजित परीक्षा के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इग्नू स्टडी सेंटर की इस परीक्षा के लिए करीब 15 दिन पहले जारी किए गए टाइम टेबल में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए 3 घंटे की समय सीमा दी गई थी, लेकिन शुक्रवार को जब परीक्षार्थी होलकर साइंस कॉलेज पहुंचे और उन्हें प्रश्न पत्र दिए तो उसमें प्रश्न पत्र हल करने के लिए महज 2 घंटे का समय ही दिया गया, जिसमें से भी आधा घंटा परीक्षा की खानापूर्ति में ही बीत गया। 1.5 घंटे में ही उनसे प्रश्न पत्र वापस जमा करवा लिए गए, जिससे परीक्षार्थियों में नाराजगी दिखाई दे रही है। कुछ परीक्षार्थियों ने इसे करियर से खिलवाड़ बताया तो उनका कहना है कि जब पेपर 2 घंटे में ही लेना था तो टाइम टेबल में 3 घंटे का समय क्यों निर्धारित किया गया। सभी ने परीक्षा की तैयारी टाइम टेबल के हिसाब से ही की थी, ऐसा करना परीक्षार्थियों के करियर से खिलवाड़ करने जैसा है। अब उन्होंने इस पेपर को दोबारा करवाने की मांग की है। आज दिनांक 4/3/2022 है। आज होलकर साइंस ऑफ कॉलेज में BNA 041 का पेपर था, जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए एलिजिबल के लिए लिया जा रहा था, जिसमें इग्नू की तरफ से टाइमिंग दी गई थी 3 घंटे पेपर की। परंतु जब हमें पेपर प्राप्त हुआ तो उसमें लिखा था 2 घंटे, फिर भी जो हमारे पेपर कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने हमें 10:30 पर पेपर दिया और 12:15 पर ले लिया। उन्होंने हमसे पेपर 20 मिनट पहले ही ले लिए, जिसके कारण कई बच्चे हैं उनकी OMR सीट में गोले भरने रह गए, जिसके कारण उनको फेल होने का खतरा है। तो हमारी अपील है OP तिवारी सर से, MHMG हेड है एवं सरकार से और इग्नू से कि इस पेपर को रिवेलुएट करवाएं और हम सब के साथ इंसाफ करें एवं हो सकता हो तो दोबारा पेपर करवा जाए।